वैसे तो गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल के लिए सुर्खियों में रहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब लापरवाही सारी हदें पार करने लगे तो फिर सवाल सिस्टम से लेकर सरकार तक उठने लाजमी हो जाते हैं। गुरुग्राम से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां अव्यवस्था ने एक मासूम की जान ले ली। अव्यवस्था की भेंट चढ़ी एक मासूम, गुरुग्राम की सरकारी अस्पताल में बच्ची की मौत। 11 साल की बच्ची ने अस्पताल की लाइन में तोड़ा दम। 3 घंटे से लाइन में लगी थी संक्रमण से पीड़ित बच्ची। ओपीडी रजिस्ट्रेशन, जितने भी पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं सबसे पहले उनको यहाँ पे लाइन में लगना होता है, अपनी एंट्री करवानी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद उन मरीजों को इलाज मिलता है। वो 7 साल की मासूम भी यहीं पे लाइन में लगी हुई थी, हालांकि अब यहाँ पे लाइन है क्योंकि ओपीडी रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद हो चुका है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन दोपहर तक होता है। 7 साल की मासूम यहीं पे लाइन में लगी हुई थी, लेकिन उसकी बारी तो नहीं आई, डॉक्टरों की इलाज करने की भी बारी आई, लेकिन उस बच्ची की मौत की बारी जरूर आ गई। अब सवाल ये उठता है कि उस 7 साल की मौत की वजह कौन है, कौन आखिरकार वो गुनहगार है। सरकारी प्रशासन कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहने से वो 7 साल की मासूम बच्ची वापस नहीं आ सकती है। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में जानलेवा लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। व्यवस्थाओं में भी गुड़गांव का सरकारी हॉस्पिटल काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। आप देख सकते हैं गुड़गांव हॉस्पिटल के ठीक अंदर में छत का नज़ारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल छत के नीचे जो ये पूरी की पूरी की गई है काफ़ी टूटी हुई है, काफ़ी जगह जगह से उखड़ी पड़ी है, सामने दीवार का भी काफ़ी बुरा हाल है। यूँ तो ये साइबर सिटी का सरकारी हॉस्पिटल और साइबर सिटी के सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए थी। दिल्ली के सबसे करीब गुड़गांव पड़ता है, काफ़ी एक साइबर सिटी है, काफ़ी मेन शहर हरियाणा का माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ सफाई की बात करें, इस तरह की हालत की बात करें, वो नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो मरीज़ है, मरीजों को भी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। यहाँ पे प्राइवेट अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, महंगे से महंगे हॉस्पिटल है, कि आप देखते हैं आम रास्ते, इस आम रास्ते पर भी किस तरह जो पेशेंट है उनके जो परिजन है यहाँ पे लेटे रहते हैं, बैठे रहते, इंतज़ार करते रहते हैं कि कब उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका इलाज होगा। वो 3 नंबर गेट है, वहाँ पर भी आपको हम विजुअल दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है, पेशेंट यहाँ पे लेटे रहते हैं, यानी अव्यवस्था काफ़ी है। स्वास्थ्य विभाग को इस पूरी की पूरी अव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। कैमरामैन विनय के साथ अनिल मोर, हरियाणा न्यूज, गुड़गांव। बावजूद इसके ना तो प्रशासन की नींद टूटी है और ना ही सरकार अब तक एक्शन मोड में नजर आई है। हालांकि बच्ची की मौत के मामले को हरियाणा न्यूज के प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में संज्ञान लिया है। सर, मुझे पता लगा और मैंने इसकी जांच के आदेश दे दिए और बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे सिंह ने लिया गया कि एक के बच्ची जो क्रिटिकल पोजीशन में थी, काफ़ी बीमार थी, उसकी मदर के साथ वो दिखाने आई थी। वो कैजुअलिटी में ना जा करके ओपीडी में बच्ची को बैठा करके बताते हैं कि लाइन में लग कार्ड बनवाने लगी। ये सही है कि बहुत लंबा रश होता है, लाइन में थोड़ा समय तो लगता था। इन द मीन टाइम बच्ची कंडीशन ख़राब हुई, जब भी महिला आई तो उसको देखा कंडीशन ठीक नहीं, तो कैजुअलिटी में भेजी तो उसको मृत घोषित किया गया। तो ये दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है, इसमें किसी टाइप के कोई किसी का नेग्लिजेंस की बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि घंटों इंतजार के बाद भी मासूम को क्यों नहीं मिला इलाज, क्यों सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मौत मिलती है, बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या मासूम की मौत के गुनाहगारों पर कार्रवाई होगी, कब सूबे के सरकारी अस्पताल में मिलेगा बेहतर इलाज। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, विशेष में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घटिया परिस्थिति की, ऐसे वाहियात परिस्थिति की जिसको डिस्कस करना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेलफेयर स्टेट कहते हैं हम हिंदुस्तान को, और इस वेलफेयर स्टेट में अस्पताल, वो भी सरकारी अस्पताल में लाइन में खड़ी एक बच्ची अपने इलाज के इंतजार में दम तोड़ दे,
इससे ज्यादा झकझोर देने वाली बात हो नहीं सकती है। आज हम वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक जी एक बात बताइए, एक तो मुझे ये डिस्कस करने में ही बहुत अजीब लग रहा है कि एक अस्पताल है, अस्पताल में कोई इलाज कराने के लिए पहुंचा है, उसका हाल बुरा है, उसके बावजूद उसको लाइन में एक छोटी सी बच्ची को इतनी देर तक आप खड़ा रखते हैं कि वो दम तोड़ देती है, ये कैसी घटिया व्यवस्था है? गौरव जी, मैं ये सुन के स्तब्ध हूं, जब मृत्यु होती है और वो भी एक बच्चे की, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो कलेजा टूटता है वो उसके माता पिता का टूटता है। लेकिन उसके साथ साथ हम और आप भी आज उसमें शरीक हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एक लाइन लगी हुई है ओपीडी की, मैं ये सोचकर हैरान हूं कि अगर इतनी तबीयत खराब थी तो इमरजेंसी भी एक वार्ड होता है, उस इमरजेंसी वार्ड के अंदर इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं आई क्रिटिकल? या एक ये भी होता है कि अगर बाइदा में बहुत दिक्कत थी तो रिक्वेस्ट करके जो आगे खड़े हैं, इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण ये भी आता है कि जो लाइन में आगे लगे हुए हैं ना, उनका बिहेवियर कैसा था और एक एक व्यवस्था क्यों नहीं डेवलप होती, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और अनिल खुद भी गए थे इस घटना के बाद अस्पताल में। अनिल, आपसे जानना चाहूंगा, ये मौत की लाइनें रोज लगती हैं? बिल्कुल, देखिए अमूमन आप गुड़गांव के सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, जो ओपीडी होती है, जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके लिए लाइनों की अगर बात करें, लाइन काफी काफी लंबी होती है। अमूमन अगर कोई पेशेंट भले कितना गंभीर हो, कितना सीरियस हो, उसको या उसके परिजन जो उसके साथ होते हैं उनको भी उस लाइन में खड़ा होना पड़ता है, काफी लंबी लंबी लाइन होती है। ये मान लीजिए गौरव, तकरीबन 20 से 25 आधा आधा घंटा लग जाता लोगों को अपना नंबर तक आने में। और इस बच्ची की बात, इस बच्ची को काफी इंतजार हो गया था, अभी इंतजार अपने बारी का इंतजार करते करते, लेकिन वो बारी तो नहीं आई, डॉक्टरों ने को इलाज का करके दूसरी बारी आ गई, मौत की बारी आ गई, बच्ची अपनी जान गवा दी। अनिल एक बात पूरा, क्यों वहां जब आप गए, लोगों से बात की, तो क्या किसी को पता नहीं था कि इस बच्ची की हालत इतनी खराब है? क्या वहां जो हेल्पर्स होते हैं, वहां जो नर्स होती हैं, वहां जो स्टाफ होता है, किसी को ये समझ में नहीं आई बात कि इसको जल्दी भेज देना चाहिए? देखिए बिल्कुल, हमने वहाँ कई कर्मचारियों से, कई मरीजों से, लोगों से बात करने की कोशिश, उनका भी यही कहना था कि अमूमन जब लाइन लगी होती है तकरीबन पेशेंट ही लाइन में लगे होते हैं, अगर किसी के परिजन नहीं होते तब पेशेंट को लाइन में लगना पड़ता है, तकरीबन बीमार लोग ही वहाँ पे आते हैं जिनका किसी तरह की कोई गंभीर समस्या, वही लोग आते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए इतना अंदाजा लगा पाना इतना आसान नहीं होता कि किसकी गंभीर समस्या है। वही हाल इस बच्चे को, जैसे बच्ची की माँ लाइन में लगी हुई थी, माँ पानी लेने चली जाती है, फिर बच्ची लाइन में खड़ी हो जाती है, इंतजार करते कि कब बारी आएगी, कब उनकी पर्ची कटेगी, पर्ची कटने के बाद फिर वो डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएंगे, लेकिन इतना होने से पहले बच्ची के दर्द ज्यादा होने लगता है, फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है आना समय, लेकिन उससे पहले बच्ची जान गवा देती है। डॉक्टर तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल प्रशासन ने कहता कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो बच्चा है वो हमारे बीच नहीं है। ये एक बहुत अच्छा शब्द है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका। जांच एक बहुत अच्छा शब्द है और मैं इस शब्द को हथियार कहता हूँ, अक्सर इसका हथियार के रूप में ही इस्तेमाल होता है हमारे देश में। ऐसी कई जांच हमने भी देखी और उसके क्या नतीजे आए वो भी हमने देखा। रोहतक पीजीआई में जांच के लिए भी भेजा गया था और वहाँ क्या नतीजे आए, एक बार कार्रवाई करने के लिए जैसे ही अनिल विज साहब सख्त हुए, ऐसा लगा कि जैसे भूचाल आ गया, और वहाँ डॉक्टर्स, खासकर जूनियर डॉक्टर्स कितनी जल्दी हड़ताल पर चले जाते हैं वो सब हमें पता है। खैर, हम इस पर कंसनट्रेट करें। अगर अशोक जी मुझे एक बात बताइए कि ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि बीमार लोगों को लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी जगह पे बैठे रहें, उनका नंबर उनको टोकन सिस्टम के आधार पर उनको गेट पे ही मिल जाए, जो आए उसको टोकन दे दिया जाए और आपने पहले एंट्री की आपको पहले मिल गया, आप बाद में एंट्री कर रहे हैं आपको बाद में मिल गया, जो नॉर्मल देखने केसेस हैं उनके लिए, और जैसे जैसे नंबर आते जाए बैठे रहिए, आपका नंबर अनाउंस हो आप जाके मिल लीजिए डॉक्टर से। ये लाइन में इतनी देर तक खड़े रहने के लिए बीमार लोगों को, ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? गौरव जी, पहले तो मैं आपकी एक वो जो आपने कहा ना हथियार है, मैं ये मानता हूँ हथियार नहीं बल्कि ये आड़ है, ये हम एक इसकी आड़ लेके अपनी जितनी भी खामियां है ना उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। आपने ये बिल्कुल बेहतर बात कही कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जब करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट होता है और एनसीआर के सबसे आधुनिक शहर गुरुग्राम के अंदर और वहां का सिविल हॉस्पिटल और वहां पर बीमार को
एक किस्म से यूं समझ लो कि एक सजा मिल जाती है कि आप एक घंटा दो घंटे आधा घंटा लाइन में लगिए, जहां खड़े होने की तो ताकत नहीं है बैठने की। और क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक कॉल, भाई ठीक है आपकी आपका नंबर आया और आपका आप उस टोकन के हिसाब से जाइए अंदर, इतना कम से कम ये इस एक्सर्शन से तो बचेंगे आप, उस कष्ट से तो बचेंगे। अच्छा ये उनके संज्ञान में क्यों नहीं आता जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां लेकर और इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर वहां पर कार्यरत है? ये जरूरी थोड़ी है गौरव आप और मैं सोचेंगे, ऐसा पता नहीं क्यों हमारे हिंदुस्तान में हो गया है, जब तक इनको कोई जगाए ना ये जागने के लिए तैयार ही नहीं है। उसी बात के पैसे लेते हैं आप, उसी बात की तनख्वाह मिलती है, उसी बात के का पोस्ट मिला हुआ है, उसी बात की वर्दी मिली हुई है आपको, संवेदनाएं क्यों नहीं है? बहुत अजीब स्थिति है। और संवेदनाएं छोड़िए, प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं? जिस बात के पैसे ले रहे हैं उस ड्यूटी को आप पूरा नहीं करेंगे? इतने सारे लोग हैं वहां, किसी को संवेदना नहीं होती है वहां? मैं कई बार गया हूं अशोक जी, मैं घूमते टहलते कई बार सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में, जहां भी मौका मिलता है मैं जाता हूं। सरकारी अस्पतालों में तो हालत इतनी खराब होती है, लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, और वहां अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहें तो उनका जो व्यवहार होता है स्टाफ का वो बहुत अजीबोगरीब होता है, वो सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। कृष्णमूर्ति हुडा शायद हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ कृष्णमूर्ति जी मुझे एक बात बताइए कि ये ऐसी व्यवस्था क्यों है स्वास्थ्य विभाग में कि एक बच्ची 11 साल की, 9 साल की, 7 साल की, जो भी उसकी उम्र हो वो मैटर नहीं करता है, लाइन में उसको इतनी देर तक खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि वो आखिरकार दम तोड़ देती है? देखिए बड़ा दुख है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको ये हवाबाजी छोड़ के काम करके दिखाना चाहिए, काम करना चाहिए, ये शिक्षा मारना सब बंद कर देना चाहिए। काम का टाइम है, हर लोग समझ गए हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, खेलों के वो मंत्री हैं, खेलों में वो कितने एफिशिएंट हैं। कृष्णमूर्ति आप पॉलिटिक्स मत करिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक बच्ची की मौत हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है आप विपक्ष में हैं, आप इस सरकार को कोसें, वो ठीक है आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपकी ड्यूटी भी है, लेकिन ऐसी व्यवस्था आज तक क्यों नहीं डेवलप हो पाई? 10 साल आप भी रहे, आपने भी वो व्यवस्था नहीं डेवलप की कि किसी को लाइन में रखने से आप रोक पाए, क्यों इस पे कभी क्यों सोचा क्यों नहीं गया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ बताइए, कहाँ का किस्सा, कहाँ का ये? गुड़गांव का सर। बहुत मुझे, मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, चलिए बता देता हूं, गुरुग्राम की घटना है। गुरुग्राम का, गुरुग्राम जी जी, देखिए वहां निश्चित तौर पे बहुत रश होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर बच्ची की हालत बहुत बहुत खराब थी तो उनको आउट ऑफ वे उसको उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए था। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। संजय साहब एक बात बताइए कि ये मौत की कतारें कब तक? नहीं ये जो हुआ बहुत दुखदाई है। हाँ मेरा उस परिवार के प्रति बहुत संवेदना है, गहरी संवेदना है, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ ये बात आपकी ठीक है कि इस देश के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी होनी चाहिए, जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी नहीं है। ठीक, और भारतीय जनता पार्टी तो इसी सोच को लेकर काम कर रही है कि हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था हो। ये सर आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, रोक रहा हूँ सर आपको, सुनिए आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये हमने कई महीने पहले ये एडवर्टीजमेंट देखे कि आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि लाइन में अब नहीं लगना पड़ेगा, भैया सरकारी अस्पतालों में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये कई महीनों पहले मैंने ऐड देखे हैं सर, और आज मौत की कतार में खड़े खड़े एक बच्ची की मौत हो जा रही है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए काम कर रही है आपकी सरकार? क्या तकलीफ थी क्या नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी है, लेकिन अगर बच्ची को इतनी अर्जेंट, कोई इतनी अर्जेंसी, तो उसको इमरजेंसी में डॉक्टर्स को ही कहना चाहिए था कि हम इमरजेंसी। सर आप कभी सरकारी अस्पताल गए हैं? संजय जी बहुत माफी के साथ पूछ रहा हूँ आपसे, संजय जी कभी, संजय जी सुनिए जरा, संजय जी सुनिए जरा, कभी आप सरकारी अस्पताल गए हैं? एक मिनट सर आपके पास आऊंगा। संजय जी आप कभी सरकारी अस्पताल गए हैं? वहाँ सीधे मुंह कोई कर्मचारी बात तक नहीं करता है सर, आपको ये सच पता होगा? नहीं, हाँ कई अस्पतालों में ऐसा है, लेकिन हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं सब चीजों को सुधारने में लगे हुए हैं, और हमारी कार्य संस्कृति भी ऐसी है, और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों सब सर, चाहने से काम नहीं चलेगा ना, चाहने से ये बेटी वापस नहीं लौटेगी सर।
चाहने से ये बेटी वापस नहीं लौटेगी। जिसके बच्चे की मौत हो गई उसके लिए एक ऐसा सन्नाटा छूट गया पीछे जो कभी नहीं भर सकती आपकी सरकार। मैं बस इतना जानना चाहता हूं आपसे कि आप जो ये दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, वो पूरा कब करेंगे? परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं। हाँ, लेकिन आये हुआ बहुत दुखदाई हुआ है ना। सर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, आपकी संवेदनाओं से बच्ची नहीं लौटेगी, ये बहुत दुखद और कड़वा सच है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि वादे दावे ये सब क्यों खोखले रह जाते हैं। छोटा सा ब्रेक। हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इलाज कराने गई थी वो बच्ची इस उम्मीद में कि उसके पेट में जो इन्फेक्शन है डॉक्टर अपनी जादुई और करिश्माई जो छवि है उससे कुछ करिश्मा कर देंगे, उसके जिंदगी में जो परेशानी है, उसके जो कष्ट है, उसको जो दर्द है वो दर्द दूर हो जाएगा। कौन जानता था कि दर्द छीनने के बजाय उसकी जिंदगी छीन ली जाएगी। अशोक जी हमारे साथ स्टूडियो में है। अशोक जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी या आज तक कोई ऐसा हेल्थ मिनिस्टर नहीं बना जो टेक्निकली इस पर सोच सके, संवेदनाओं के साथ इस पर सोच सके, और क्या कभी इस पर काम नहीं होगा कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसमें कोई करोड़ों रुपए के खर्च की बात तो नहीं है, इसमें कोई बजट की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं चीजों को। गौरव जी, जो उस अस्पताल के अंदर बैठे हुए अधिकारी है ना, अगर उसके अंदर जरा सा भी विजन है, विजन के साथ साथ जरा सी संवेदनशीलता है, तो ऐसा कभी भी किसी के काम में कोई रुकावटें नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये स्टीरियोटाइप चल के अपनी सुविधा भोगी फाइलों पर साइन करने के अलावा कुछ नहीं करते। दूसरी बात यह है, अगर इस बात को सोचें कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंची तो मंजिल बढ़ा दी। अरे भाई, आज आपने गुरुग्राम के हॉस्पिटल को इस स्थिति में लाया है, उससे बेहतर क्यों नहीं आ सकता? और आज यही पोजीशन कि अगर उनका व्यवहार, जो अटेंडेंट है, इतनी लंबी लाइन, इस दर्द को किसी ने महसूस किया आते जाते, देखते, जांचते, दवाई लिखते हुए, कि क्या इतने घंटे खड़े होने के बाद जो बुखार से पीड़ित है या इन्फेक्शन से पीड़ित है, अगर उस बच्ची को इतनी देर खड़ा होना पड़ेगा तो उसे क्या भुगतना पड़ जाएगा? तो उस मामले में अगर ये टोकन व्यवस्था जो आपने अभी सुझाई थी, अगर ये हो जाती, ये कौन सोचेगा? अगर हमारे और आपके दिमाग में आ जाती है तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में भी आ जानी चाहिए। लेकिन वो विजन नहीं रखते, और ये जो जिसको कहते हैं ना विजन ही, दूरदर्शिता का जो अभाव है, ये हम उस दौर से गुजर रहे हैं। अरविंद भारद्वाज जी नेलो से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। अरविंद जी, क्या जो लोग मंत्री बन जाते हैं या मुख्यमंत्री बन जाते हैं या फिर वो अधिकारी जिनको मोटी सैलरी मिलती है, क्या वो अपने मंत्रालय के बारे में टेक्निकली सोच नहीं पाते हैं, संवेदनशीलता के साथ सोच नहीं पाते, प्लान नहीं कर पाते? छोटी छोटी चीजें, अस्पताल में लाइन में खड़े होना पड़ेगा अगर बीमार आदमी को, तो उसकी स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, या कभी किसी ने महसूस करने की कोशिश नहीं की सर आज तक? अरविंद जी, चलिए फोन डिस्कनेक्ट। अशोक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पिज्जा लेने जाते हैं तो आपको टोकन मिल जाता है, आप आराम से बैठ जाते हैं और अपने लाइन का, अपने बारी का इंतजार करते हैं। आइसक्रीम लेने जाते हैं अच्छे अच्छे पार्लर्स में, तो वहां यह सुविधा है। गरीबों के लिए नहीं हो सकती है ये सुविधा? एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है, क्या ये दर्द नहीं महसूस करने की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि ये बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, ये बड़े बड़े जो नेता हैं, ये कभी एक तो सरकारी अस्पतालों में जाते नहीं, जाते भी हैं तो इनके लिए VIP ट्रीटमेंट, VVIP ट्रीटमेंट होता है, क्या ये इसलिए भी है? निश्चित रूप से यही है। कारण ये है, यहाँ पे ये जो आपने प्रश्न उठाया है ये वास्तविकता है, क्योंकि मैं इसको भुगत चुका हूं। अगर कोई आदमी जरा सा भी कद रखता है, पद रखता है, और कहीं किसी को हिलाने डुलाने की क्षमता रखता है, तो उसको डॉक्टर के चैम्बर में उसको नहीं जाना पड़ता, डॉक्टर वहां आता है जहां पे वो बैठा हुआ होता है। और आज स्थिति यह है, आम आदमी के लिए संवेदन शून्यता का, संवेदनशीलता का अभाव और संवेदन शून्यता का जो पराकाष्ठा है ना, वहां पहुंच गई व्यवस्था। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन बहुत अजीब स्थिति है, और आखिर यह स्थिति कब तक रहेगी? कभी कोई क्या सरकार ऐसी आएगी, कभी कोई अधिकारी क्या ऐसा आएगा जो सोचेगा कि एक बीमार आदमी को लाइन में लगना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
डाक 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 डाक